हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रभा दुबे ब्लॉग में। आज की रेसिपी है करकुरी करारी मटर से बनी हुई कचौड़ी। यहाँ मटर को मैंने ऐसे ही तल लिया था और फ्राई करने के बाद सारे सूखे मसाले मिलाकर मसाला तैयार कर लिया है। साथ ही यहाँ पर अमचूर वाली अमचूर, गुड़ और काला नमक मिलाकर मैंने यहाँ पर चटनी तैयार की है। ऐसे ही साधारण चटनी है, इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही कचौड़ी का आटा तैयार किया है मैंने। आटे में थोड़ा सा नमक और तेल डालेंगे। इसमें आप इस समय पे घी भी डाल सकते हैं। मैंने आधा घी और आधा तेल इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा मोयन अच्छा रहता है तो जो कचौड़ियाँ हैं वो अच्छी खस्ता बनती हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि घी और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आटे में। अब थोड़ा थोड़ा पानी कर डालते हुए हमें अच्छा थोड़ा सा सेमी टाइट आटा लगा कर तैयार करना है। ना बहुत ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना बहुत ही ज़्यादा नरम होना चाहिए। देखिए इस तरह का आटा होना चाहिए। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने इसी आटे की छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। मटर का जो ये मसाला फ्रेंड्स तैयार किया है, इसमें थोड़ी सी अजवाइन और सौंफ डालना ना भूलें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए छोटी छोटी लोइयों को बहुत ही अच्छी तरह से हाथ से फैलाकर छोटी सी कटोरी बना ली है। इसमें हमें मटर की फिलिंग भरना है। हाथ से प्रेस करते हुए इसके हम साइड्स को अच्छी तरह से सील कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से पैक बंद करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्राई करते समय हमारी कचौड़ियाँ बिल्कुल भी टूटे ना। देखिए आप इसे बेल कर भी तैयार कर सकते हैं। मैंने हाथों से ही दबा कर कचौड़ियाँ तैयार कर ली हैं। अब इन्हें हम तेल गर्म होने के लिए रखते हैं और बिल्कुल हल्का गर्म तेल तैयार कर लेते हैं। सारी कचौड़ियों को इसी तरह बनाकर मैंने तैयार कर दिया है। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है अपने गैस को। ये देखिए ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। हल्के गर्म ऑयल में ही हमको कचौड़ियाँ डालना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे से ही गर्म हुआ है हल्का सा ही तेल। यदि हम बहुत ही गर्म तेल में कचौड़ियाँ डालते हैं तो वो अच्छी तरह से अंदर तक सिक नहीं पाती और खस्ता नहीं रहती हैं, इसलिए हम इसे कम गर्म तेल में ही डाल रहे हैं। धीमी धीमी आंच पर कचौड़ियाँ सेकना है। इंतज़ार करते हैं इनके फूलने का। हम देख सकते हैं कचौड़ियाँ एक साइड से फूल गई हैं। इसे हम पलट कर सेक लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से फूली हुई बनी हैं कचौड़ियाँ। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अभी तो मटर का सीज़न चल रहा है तो आए दिन मेरे घर में ये कचौड़ियाँ और इसके बने पराठे बनते ही रहते हैं। देखिए कचौड़ियाँ हो गई हैं तैयार, जिसे मैंने आम के अचार के साथ और आम ये अमचूर की चटनी के साथ, मीठी खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत अच्छी लगती हैं। नमस्कार।